नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन स्प्रेंडिया। मैं पंकज, और बिटकॉइन स्प्रेंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक राहत की सांस सी मिल रही है कि कई एक्सपर्ट जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $50,000 यानी कि ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख रुपये हो सकता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बिटकॉइन की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने लो पे था 2018 के। हम सब डर गए थे, और मैं जानता हूं कि आप सब भी डर गए होंगे कि बिटकॉइन का प्राइस $6,000 से जब नीचे आया था तो बहुत लोग कहने लगे थे कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस इंडस्ट्री के हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $50,000 तक यानी कि ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ के हिसाब से जा सकता है। तो उनमें से एक हैं थॉमस, और उन्होंने CNBC पे ये जो है स्टेटमेंट दी थी, और उनका कहना ये भी है कि यूटिलिटी टोकन्स जो हैं इस साल बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है। तो इस बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, और ये जो न्यूज़ है वो CNBC के अंदर प्रिंट हुई है। दोस्तों, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि बुल रन जो है बिटकॉइन का वो आगे ही बढ़ेगा, और जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन की इस बार होगी 2018 के एंड तक। लेकिन जो बिटकॉइन से रिलेटेड जो सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। आप सबने और हम सबने जो है $6,000 पर देखा था, और इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो $8,000 के आसपास चल रहा है। तो जो है क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है उसमें जो है आधा से ज़्यादा जो है $550 बिलियन उड़ गया था पिछले एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर। तो यहाँ पे एक अच्छी स्टेटमेंट जो है थॉमस की तरफ से आई है, जो कि हेड करते हैं APAC बिजनेस डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को। उन्होंने CNBC को जो है ईमेल के थ्रू ये बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है बिटकॉइन जो है अपनी नई हाई बनाएगा और $50,000 तक जा सकता है। और उनका कहना है कि कोई रीज़न नहीं है कि बिटकॉइन को जो है इस हाई तक या इस लेवल तक पहुँचने में कोई दिक्कत हो। और उसका रीज़न जो बताया कि ये इस तक पहुंच सकता है, उनका कहना है कि लाइटनिंग नेटवर्क की वजह से, यानी कि जो अभी पीछे देखा होगा कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन में जो है हज़ारों रुपए लगने लगे थे एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो अगर लाइटनिंग नेटवर्क होगा तो बिटकॉइन के जो है ईजी हो जाएगा ट्रांजेक्शन करना, और इससे जो है उसको मदद मिलेगी। और एक और आप बात आपको बता दें कि अभी तक जो है इसका ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मार्केट में नहीं है। फ्यूचर ज़रूर आए हैं इसके, लेकिन कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नहीं है एक्चुअल के अंदर। और अगर इसका ETF आता है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2018 में आ सकता है, और नैसडेक भी जो है इसका फ्यूचर लाने का प्लान कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसका प्राइस है वो बूस्ट कर सकता है। और जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ठंडी होने के कुछ कारण ये भी थे कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो है 1300% बढ़ा था, इथीरियम जो है ऑलमोस्ट 8,000% से ऊपर बढ़ा था, और अगर रिपल की बात करें तो 32,000%। तो आप देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल देखें तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो करेक्शन आना बहुत ज़रूरी था। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बार जो यूटिलिटी टोकन है, यानी कि मोटा मोटा बता दूं, जिनके बेस पे जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है या कुछ जो ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, जैसे कि इथीरियम हो गया, आयोटा हो गया, नियो हो गया, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करने वाले हैं इस साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको जो है उस पर भी जो है अपनी नज़र रखनी ज़रूरी है, और ये जो यूटिलिटी टोकन है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इस साल के अंदर, और बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको देके जा सकते हैं। बट आप सबको दोबारा से बता दें कि जो मार्केट है बहुत वर्टाइल हुई पड़ी है, और आप सबको बहुत जो है ध्यान से जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और आप, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी तसल्ली कीजिए, पूरी रिसर्च कीजिए, रिसर्च के बाद में अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कोई जादू नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात आपको करोड़पति या अरबपति बना देंगे। आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए जो है विजन रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा पूरा ध्यान से कीजिएगा, तसल्ली करने के, खुद की रिसर्च करने के बाद ही कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, जैसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।